तो ये साथियों अपने को ध्यान रखना है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। पहले तो इसका ईयर, दो प्रश्न यहाँ पढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, तो ये 1926 में बना था, और ये पास कब हुआ, तो ये 1 जून 1927 को पास हुआ। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 भी याद रखना है और 1 जून 1927 भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न श्रेणी में नियुक्त रेल कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के घंटे कितने हैं। तो मैं HOER का प्रश्न है साथियों ये, तो HOER की फुल फॉर्म होती है हाउस ऑफ एम्प्लॉयज रेगुलेशन। तो इसमें चार भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है, इंटेंसिव जिसको अपन हिंदी में गहन बोलते हैं, कंटिन्यूस सतत, और EI होता है आवश्यक रूप से अहरामी, और एक्सक्लूडेड बहिष्कृत। तो इसमें जो इंटेंसिव है, गहन है, वो उसके लिए 42 घंटे हैं और बाकी अन्य तीन के लिए 48 घंटे सप्ताह के हैं। सप्ताह के लिए 42 घंटे हैं गहन के लिए, बाकी अन्य तीन के लिए 48 घंटे हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो हस्तलिखित जो नोट्स हैं, ये काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है साथियों, एक एक प्रश्न को छांट करके फिर इसमें सेलेक्ट किया गया है। आपको कचरा नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, या तो वो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है, वही प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, रनिंग स्टाफ के लिए विश्राम के क्या नियम है। तो रनिंग स्टाफ के लिए विश्राम के नियम यह है कि मुख्यालय पर तो 16 घंटे हैं और अन्य स्टेशन पर 8 घंटे हैं, हेडक्वार्टर लेवल पर 16 घंटे हैं रनिंग स्टाफ के लिए, और यदि वो अन्य स्टेशन है तो अन्य स्टेशन के लिए 8 घंटे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, हड़ताल व तालाबंदी में क्या अंतर है। तो हड़ताल तो कर्मचारियों द्वारा की जाती है, और तालाबंदी जो कंपनी का मालिक होता है, तो जो कंपनी का मालिक होता है या उद्योग का जो मालिक होता है उसके द्वारा तालाबंदी की जाती है, और हड़ताल कर्मचारियों की द्वारा की जाती है। और ये दूसरा प्रश्न इसी में ले लिया, मैं बताने वाला था हड़ताल करने की चेतावनी कितने दिन पहले, यदि कर्मचारियों को हड़ताल करनी है तो कितने दिन पहले उसकी सूचना देना जरूरी है। तो 6 वीक, 45 दिन पहले, यानी 1.5 महीने पहले उनको सूचना देनी है, जरूरी है कि हम हड़ताल पर जाएंगे। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम में दी जाने वाली दो सुविधाएं बताएं। तो कारखाना अधिनियम का ये फैक्ट्री एक्ट का प्रश्न है साथियों, फैक्ट्री एक्ट 1948 का प्रश्न है। आपके फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। तो इसमें जो दो सुविधाएं दी जाने वाली हैं वो कैंटीन की दी जाती है, एक तो 250 आदमियों पर, और एक इसमें बाथरूम की सुविधा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये वेलफेयर जोधपुर के अंतर्गत आया था ये प्रश्न, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्मचारियों की छटनी संबंधी प्रावधान किस अधिनियम में निहित है। तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25F में, ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ 25F है ये इंपॉर्टेंट है, 25F औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25F, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, WCA की फुल फॉर्म होती है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ये आपके 1923 में बना था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना था। ये रही आपका इसका ईयर, 1923 में बना था, और ये कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1924 से ये लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 1924 से, वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रश्न यहाँ बढ़ते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1924। कारखाना अधिनियम में प्रतिदिन काम के घंटे क्या हैं, तो ये विश्राम सहित 9 घंटे हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। कारखाना अधिनियम में ओवर टाइम का भुगतान कैसे किया जाता है, तो साधारण मजदूरी का दुगना किया जाता है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साधारण मजदूरी का दुगना किया जाता है कारखाना अधिनियम में, ओवर टाइम का भुगतान साधारण मजदूरी का दुगना किया जाता है। नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कितनी सजा का प्रावधान है।
तो कारखाना अधिनियम के तहत दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो 2 साल की जेल व 3 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों। यदि कारखाना अधिनियम के तहत दिए गए नियमों प्रावधानों का अपन पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए 2 साल की जेल है, 3 लाख रुपए का जुर्माना है अथवा दोनों, दोनों भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है, कारखाना अधिनियम में महिलाओं को रात्रि में कार्य नहीं करवाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, रात्रि में कार्य नहीं करवाया जाता है महिलाओं को। कारखाना अधिनियम में ये नियम है कि महिलाएं रात्रि की ड्यूटी में काम नहीं करेगी। तो उनकी जो रात्रि का समय है वो क्या है? तो उनकी जो रात्रि का समय है वो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक है। यानी लगभग कितने घंटे हो गए? 11 घंटे हो गए, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये बैटरी ने धोखा दे दिया साथियों, बैटरी ने धोखा दे दिया है। तो हम ये 2 ही प्रश्न और देखेंगे, 30 तक ही करेंगे। तो 29 नंबर है, औद्योगिक विवाद अधिनियम अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है ये 1947 में बना था और ये अधिकारियों पर लागू नहीं होता है, अफसरों पर ये लागू नहीं होता है, ऑफिसर पर लागू नहीं होता है। लास्ट देख लेते हैं 30 प्रश्न। 30वां, ट्रेड यूनियन कानून 1926 में बना था। ये ईयर आपको ध्यान में रखना है, ट्रेड यूनियन कानून था जो 1926 में बना, तो ये ईयर आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लैपटॉप की बैटरी धोखा दे चुकी है, तो अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे WLI का, वो 31वें प्रश्न से चालू करेंगे। तो उसके लिए हम पार्ट 3 लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों।